नमस्कार साथियों, एनटीए द्वारा आयोजित होने वाली यूजीसी नेट के लिए पोर्टल को ओपन कर दिया गया है। इसके बारे में पब्लिक नोटिस 30 सितंबर 2023 को यानी कल की डेट में जारी किया है, जिसमें जो तिथियां है यूजीसी नेट के लिए वो आप देख सकते हैं। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 30 सितंबर 2023 से 28 अक्टूबर 2023। आखिरी जो तिथि है फॉर्म भरने की वो है 29 अक्टूबर 2023। इसके बाद करेक्शन इन दी पर्टिकुलर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, किसी भी प्रकार की आपको करेक्शन करवानी है फॉर्म में तो 30 से 31 अक्टूबर 2023 के बीच में कर सकते हैं। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जाम सेंटर, जो एग्जाम सेंटर के शहर घोषित होंगे वो लास्ट वीक ऑफ दी नवंबर 2023, नवंबर 23 के आखिरी सप्ताह में होंगे। इसके बाद एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से फर्स्ट वीक ऑफ द दिसंबर 2023, दिसंबर 2023 के पहले सप्ताह में आप डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो मेन है और तारीखें जो है पेपर की वो है 6 दिसंबर 2023 से लेकर 22 दिसंबर 2023। क्या सेंटर होंगे, एग्जैक्ट डेट क्या होगी, कौन सी शिफ्ट होगी, ये एडमिट कार्ड पर मेंशन होगी। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर की ये बाद में वेबसाइट पर घोषणा की जाएगी। और जो वेबसाइट है वो आप देख सकते हैं http://ugcnet.nta.ac.in। और दोस्तों, जहाँ तक बात एप्लीकेशन फ़ीस की है, फॉर्म भरने की फ़ीस, जनरल कैटेगरी के लिए 1150 रुपये फ़ीस है, जनरल EWS OBC के लिए 600 रुपये फ़ीस होगी और SC के लिए या थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपये की फ़ीस होगी। तो बड़ी बात यह है, दिसंबर 2023 में UGC नेट होगा, NTA द्वारा आयोजित किया जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF के लिए। इसके लिए पूरा का पूरा जो शेड्यूल है पब्लिक नोटिस NTA ने जारी कर दिया है। 30 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे। पूरी की पूरी जो डिटेल शेड्यूल है आप देख सकते हैं कि कब फॉर्म भरे जाएंगे, कितनी फीस है, कब एग्ज़ाम होगा, कब एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे, किस शिफ्ट में पेपर होगा, कौन से सेंटर होंगे। सारा का सारा जो शेड्यूल है वो NTA ने इसमें दे दिया है। किसी भी प्रकार की फिर भी कोई क्वेरी करनी है आपको, कोई पूछताछ करनी है तो टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, ईमेल भी दी गई है, आप इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी आपको क्वेरी करनी है आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक जय हिंद।